किसी की कही बात पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेने का चलन नया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे बखूबी पॉलिश जरूर कर दिया है। नतीजा, अफवाह। बात चाहे तब की करें जब कबूतर संदेश लाते थे या तब जब तार वाले टेलीफोन्स का जमाना था, अफवाहों का मार्केट कभी कम नहीं हुआ। हाँ, पहले के समय में शायद अफवाह को फैलने में टाइम लग जाता था, लेकिन अब अफवाह फैलना कौन सी बड़ी बात है, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। अब इसी सोशल मीडिया की रफ्तार वाली ट्रेन के जमाने में एक और अफवाह फैली। अफवाह की स्पीड राजधानी और वंदे भारत से भी तेज, इतनी तेज की जेल जाने की बातें तक होने लगी। अब जो हमने मीटर बिठाने के लिए ट्रेन का नाम लिया है, तो आपने इस अंदाजा लगा ही लिया होगा। ये मामला जिसके इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, वो है ट्रेन से जुड़ा। IRCTC मतलब देश में ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराने का पोर्टल। रोज लाखों करोड़ों टिकटें इसी प्लेटफॉर्म से बुक होती हैं। अकाउंट बनाइए और ऐप से लेकर वेबसाइट पर मिनटों में आपकी टिकट हो जाती है बुक। अब जो अफवाह फैली है उसका सब्जेक्ट यही पोर्टल है। अफवाह ये फैली कि अगर आप अपने अकाउंट से दूसरों का या दूसरे सरनेम वालों का टिकट बुक करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। जब जांच पड़ताल हुई तो ये वाकई में एक अफवाह निकली, झूठी बात। हालांकि ये बात इतनी तेज रफ्तार से फैली कि खुद IRCTC को पोस्ट करके इसकी सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं है। IRCTC ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर अलग अलग सरनेम्स की वजह से ई टिकटों की बुकिंग पर प्रतिबंध के बारे में चल रही खबर झूठी और भ्रामक है। संबंधित लोगों को ऐसी झूठी खबरें फैलाने से बचना चाहिए। ये तो आपने जान लिया कि ये अफवाह झूठी है, लेकिन IRCTC से टिकट बुकिंग के असली नियम क्या कहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। आप अपने IRCTC अकाउंट से महीने की 12 टिकटें बुक कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से वेरीफाई है तो नंबर हुए डबल, मतलब 24। सरनेम वाला कोई चक्कर ना पहले था ना अब है, बोले तो आप मज़े से अपने दोस्त यार मित्र बंधु पड़ोसी और किसी ज़रूरतमंद की टिकट बुक करा सकते हैं। हाँ, टिकट बुक करते समय अगर स्क्रीन के राउंड राउंड घूमने की टेंशन है कि मतलब कुछ पैसे कट गए और टिकट बुक नहीं हुआ, तो उसका भी उपाय है, और वो उपाय है IRCTC का ऑटो पे सिस्टम। इसमें अकाउंट से पैसे तब कटेंगे जब टिकट कंफर्म होगी। अगर टिकट कंफर्म नहीं होती तो पैसे अकाउंट में ही रहेंगे। ये फीचर IRCTC की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर सबसे ऊपर की तरफ आपको नज़र आ जाएगा। ऑटो पे में आपको टिकट बुक करते समय तुरंत पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टिकट जितना पैसा ब्लॉक हो जाएगा जब टिकट कंफर्म होगा तब अकाउंट से पैसे कटेंगे। जो टिकट कंफर्म नहीं हुई तो ब्लॉक या होल्ड किए हुए पैसे अकाउंट में रहते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सूर्यकांत। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।